राजधानी रांची के साथ राज्य के कई जिलों में ई चालान शुरू हो गया, यानी कि ट्रैफिक नियम की अनदेखी अब महंगी पड़ सकती है। इस दौरान कई स्थानों पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जहां लोगों को ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सड़क पर दिन प्रतिदिन वाहनों की भीड़ बढ़ती जा रही है, इसके साथ नियमों की भी लगातार अनदेखी हो रही है। नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। रांची के हर चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई हो रही है। यहाँ दो तरीके से करता है, एक तो हमारा ट्रैफिक पुलिस जिनके पास एफटीवीआर डिवाइस है उसके माध्यम से ई चालान मैन्युअली काटा जाता है, वहाँ खड़ा होकर के ट्रैफिक पुलिस काटती है। दूसरा जो है वो सीसीटीवी के माध्यम से कैमरा लगाए गए हैं, उससे ऑफेंस डिटेक्ट होते हैं। उसमें कुछ एक ऑफेंस है, जैसे आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं या फिर रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप रेड लाइट जंप कर रहे हैं, तो इसका चालान सीसीटीवी के माध्यम से कैमरा डिटेक्ट करता है। 7 साल से पिछले रांची में रह रहा हूँ, लेकिन पिछले 1 साल से मेरा लगभग गाड़ी का 4 चालान हो चुका है, जिसमें कि जो सबसे पहला प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि मेरे को मैसेज जैन में ही लगभग 20 दिन के अंदर में 4 चालान का मैसेज आया, लेकिन वो चालान पिछले बैक डेट में 8 महीने और 6 महीने और 5 महीने के लगभग का है। लेकिन अब अचानक से अगर गवर्नमेंट ऐसी करेगी कि मेरे को अचानक से 4 चालान दे दे, वो विद टाइम आज कटा एक दिन दो दिन के अंदर में अगर वो चालान नहीं आता है तो मेरे को कहीं ना कहीं पॉकेट में भार पड़ता है। कि अब तक रांची में हजारों लोगों का चालान काटा जा चुका है, दूसरी तरफ जमशेदपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को ट्रैफिक रूल के प्रति जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं सड़क पर बाइक रैली भी निकाली गई। चाहते हैं कि अगर हम बाइक धीरे भी चलाएं तो उसमें मजा आ सकता है, ये नहीं कि अगर रैश ड्राइविंग करें उसी में मजा है, तो हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं। और यंग इंडियंस छोटा का प्रोजेक्ट भी करता है जिसमें हम लोग स्कूल्स में जा जाके बच्चों को बताते हैं रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में, क्योंकि अगर वो घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि रोड सेफ्टी क्या होता है तो हो सकता है पेरेंट्स सुने। आम जनता की सेफ्टी के लिए ई चालान की शुरुआत की गई, हो सकता है कि इससे कुछ परेशानी हो रही, लेकिन यदि सभी नियमों का पालन किया गया तो निसंदेह सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से रानी गुप्ता और जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।